फोर पार्ट टू हमने तजजी करना है, तजजी फैक्टराइज करना है। तो अब इसमें देखिए ये फर्स्ट टू टर्म इन दोनों का सेम है, तो इसको हम फर्ज करेंगे लेट वाई बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर मतलब मुरब्बा। तो अब इसकी शक्ल क्या बन जाएगी, इसको रिप्लेस किया किसके साथ, वाई वाई माइनस क्या बचा माइनस आठ ये चीज, फिर ब्रैकेट इसकी जगह क्या लेंगे वाई जमा दस। अब सबसे पहले इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दो माइनफी आठ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या आएगा प्लस आएगा वाई इंटू टेन टेन वाई, ठीक है ना। सबसे पहले इस किस्म के जब मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले आपने अलामतों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, उसके जो साइंस हैं। मसलन अब इसका क्या है, अब ये दोनों तो आपने मल्टीप्लाई किया ना इसके साथ, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट के साथ। तो ये सबसे पहले उसके साइन को आप मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस वाई इंटू वाई वाई इंटू एट एट वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस एट इंटू टेन एटी, ठीक है। अब माइनस एट हंड्रेड एंड एटी वाई स्क्वायर ये कितना आ गया हैं, जब भी प्लस माइनस हो हमेशा माइनस करेंगे, ये दोनों ये प्लस ये माइनस है तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। बाकी जवाब के साथ जो बड़ी रकम है उसकी अलामत आएगी, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर प्लस टेन यहाँ पर माइनस एट वाई है ना, तो माइनस करेंगे टू आई आ गया, लेकिन बड़ी रकम क्या है प्लस है, तो इस वजह से यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों माइनस है, तो दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो प्लस कर ले कितना आएगा, लेकिन अलामत आपने माइनस लगानी है, प्लस कर ले कितना आएगा, कितना 960 ये चीज़ आ गई। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, देखिए इसके पास क्या है एक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले कितना आएगा, अब रफ वर्क में काम कर ले इसको, वन इंटू माइनस 960 तो वही चीज़ आ जाएगी, माइनस 960 आ जाएगी ना, ठीक है ना। अब टू को हमने ऐसे दो टर्म में लिखना है कि अगर जमा कर ले प्लस टू आई आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 960 आ जाए, तो वो कौन सा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको फैक्टराइज कर ले, अब कैलकुलेटर अगर है आपके पास तो इसको निकाले, इसको पर डिवाइड करते जाए, पहले दो पर कितना आएगा आठ नहीं चार चार फिर आठ ये सिफर आ गया ना, फिर दो पर दो दो चार ये चार फिर ज़ीरो फिर किस पर यही आ गया फिर दो दिन चार चार दुनिया नहीं होगा फिर अब ये कितना आ गया नहीं हो रहा ना, तो दो ये पंद्रह। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, दो दिन चार चार दुनिया आठ आठ दिन सोलह सोलह दिन बत्तीस, यहाँ तक ये काम आएगा, बस यहाँ तक हमें चाहिए, देखिए बत्तीस सब रख दो दिन चार चार दुनी आठ आठ दिन सोलह सोलह दिन बत्तीस बत्तीस यस बत्तीस बत्तीस ही आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अभी देखें क्या लिख सकते हैं, बत्तीस देखिए बत्तीस माइनस थर्टी अगर मैं लिख लूँ तो क्या आएगा प्लस टू आएगा, मल्टीप्लाई कर ले इसको, बत्तीस ज़रा भी माइनस थर्टी तो क्या आ गया माइनस नाइन हंड्रेड। एंड ये चीज़ आपने करनी कि आप मैंने बताया ना कि जमा कर ले कितना आना चाहिए प्लस टू आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें कितना आना चाहिए, तो वो कौन सी दो रकमें आ गई हमारे से हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक ये बत्तीस आ गया, ये क्या आ गया तीस आ गया, तो किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है इसकी अलामत को आप देख लें, ठीक है ना। तो प्लस बत्तीस माइनस तीस, देखिए दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, इन दोनों को जमा कर लो क्या आएगा और ज़रब दे दो, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्लियर। ये आपने थोड़ा सा काम करना है इस पर।
वाई स्क्वायर, अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, 32y माइनस 32y, ठीक है ना, ये सॉरी माइनस 30y, सॉरी ठीक है ना, 32 माइनस 30y, ठीक है ना, तो जमा कर लिए यही चीज़ आगे और ज़रब दे दे माइनस 960। अब दोनों का पेयर बनाना, इसका अलग पेयर, इन दोनों का अलग पेयर, इनमें से कॉमन क्या चीज़ है, इन दोनों में से सिर्फ y कॉमन है, y बचा और यहाँ पर 32, ठीक है ना, y कॉमन निकाला, यहाँ पर सिर्फ 32 बचा, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, माइनस 30, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 960 को 30 पर डिवाइड करो क्या आएगा, 32, ठीक है ना, 32, यहाँ पर माइनस इस वजह से प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमन लिया, तब उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है वो कॉमन है, देखिए 32 ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, ये बाकी क्या बचा, वाई और माइनस 30 है, ये वाई हमने फर्ज किया था ना, तो ये भूलना नहीं है, ये देखे वाई को तो हमने अपनी आसानी खातिर इसको लेट किया था ना, अब असल हमारा वेरिएबल तो एक्स है, तो दोबारा इसको यहाँ पर पुट कर ले, देख वाई किसके बराबर था, वाई बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये दोबारा यहाँ पर पुट करना है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32, ये फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30। अच्छा अब इसके बाद अगर ये फैक्टर फैक्टराइज हो सकता है, इसको मजीद फैक्टराइज कर ले, इन दोनों में से कोई अगर फैक्टराइज हो सकता है तो इसको फैक्टराइज कर ले, ये तो फैक्टराइज होगा नहीं होगा, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये मेरे ख्याल में फैक्टराइज होगा, क्यों, ये देखे इसके पास क्या है, तो इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 30 आ जाएगा ना, तो 7 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 3, यार दैट्स वाई इसको हम दोबारा हल करेंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32, इसको हम हल नहीं कर सकते, अलबत्ता इसको हल कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा लिख लूँ फिर बाद में बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि ये इसका 1 है, तो 1 को आप 1 इंटू माइनस 30 लिख ले तो क्या आएगा, माइनस 30, ठीक है ना, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस 30, देखें हमने क्या करना है कि अगर मल्टीप्लाई कर ले माइनस 30 आ जाए, जमा कर ले 7 आ जाए प्लस 7, ऐसी दो रकमें हमने लेनी है, तो वो कौन सा हो सकता है, इसका फैक्टर बनाओ, इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 2 इंटू 15 है ना, इसके अलावा क्या हो सकता है, 3 इंटू 10, अब ये भी 30 है, ये भी 30 है, ठीक है ना, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन ज़रा आप इसको देख ले, ये बिल्कुल हमारी शर्त के बराबर है, देखिए 10 माइनस 3 अगर मैं ले लूँ, 10 माइनस 3 कितना आएगा, प्लस 7 है ना, और 10 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या कितना आएगा, तो ये चीज़, तो इस वजह से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x, ठीक है ना, ये देखे जमा कर ले यही चीज़ आ जाएगी, और ज़रब दे दे इन दोनों का हासिल ज़रब के बराबर आएगा, ये क्या लिखा मैंने, ये चीज़ क्लियर, देखिए जमा कर ले प्लस 7x मल्टीप्लाई कर ले इन दोनों को, इन दोनों का हासिल ज़रब के बराबर आएगा, तो अब देखे आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32, अब इन दोनों का पेयर बनाओ, देखिए इसका पेयर, इसका पेयर, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बाकी क्या बचा, x प्लस 10, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, माइनस 3, तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर प्लस 10 बचा, ठीक है ना, क्यों, एक तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, दूसरा ये कि अब 30 को 3 पर डिवाइड करें तो 10 बचेगा, आगे देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32, ये चीज़, अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जो ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 10, x प्लस 10 कॉमन लिया, बाकी ब्रैकेट लगाए अपनी तरफ से, ये है बचा और ये बचा, इसको यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना, बस ब्रैकेट ख़त्म कर ले, बस आखिरी सवाल, आखिरी जवाब हमारे पास ही आया, अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो पहले इन दोनों को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 32, तो ये हमारा आंसर आ गया।